पब्लिक टीवी आपकी आवाज। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। मुलायम सिंह यादव के लिए दुआओं का दौर जारी है। इस बीच मुरादाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर एसटी हसन ने बताया कि मुलायम सिंह यादव की तबीयत में अब कुछ सुधार हुआ है और उन्हें वेंटिलेटर से हटाकर आईसीयू में शिफ्ट किया गया है, लेकिन उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। सपा सांसद ने अपने नेता के मुलायम सिंह यादव के लिए दुआ करते हुए कहा है कि उन्हें अल्लाह से उम्मीद है और मुलायम सिंह यादव जल्द स्वस्थ हो जाएंगे और हम सब का मार्गदर्शन करेंगे। सर, समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव जी की जो हालत है बहुत खराब है, एडमिट है मेदांता में। क्या कुछ बात हुई है और क्या जानकारी आपको मिली है? देखिए, हालत पहले काफ़ी खराब थी, लेकिन जैसा मुझे पता चला है कि अब सुबह से उनकी हालत काफ़ी बेहतर है और अल्लाह के करम से वेंटिलेटर भी हटा दिया गया है, आईसीयू में है और हमें अपने पाक परवरदिगार से यही उम्मीद है कि वो पूरी तरह से तंदुरुस्त होकर वेदांत अस्पताल से बाहर आएंगे। मुलायम सिंह यादव जी के अंदर क्या क्या विशेषताएं हैं? आप तो लंबे समय से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, कुछ जो ऐसी चीज़ें हों जो आप मन प्रभावित। देखिए, हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के माने हुए नेता मुलायम सिंह यादव जी हैं और उनकी सरल स्वभाव उनकी बहुत बड़ी विशेषता है। छोटे छोटे कार्यकर्ता का भी ध्यान रखना, हर किसी के मुश्किल में परेशानी में काम आना, हर किसी की खुशी में शरीक होना। अगर कोई बीमार भी हो जाता है, अगर एसटी हसन बीमार हो गया, कोविड हो गया, तो टेलीफोन करके मेरी खैरियत पूछना। उनको इतना सरल स्वभाव, और अगर कार्यकर्ता कभी नाराज़गी भी दिखाते थे उनको, एक बड़े भाई और अपने पिता तुल होने के नाते, तो मनाना, कार्यकर्ता को खुद मना लेते थे। तो ऐसा नेता तो मैं तो समझता नहीं हिंदुस्तान में कोई है। अगर कोई उनसे मिलना चाहे हमेशा मिल सकता था, चाहे वो चीफ मिनिस्टर थे या फिर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। और हमने ये तक देखा है कि लोगों ने उनका अगर कुर्ता भी पकड़ लिया है तो एक चीफ मिनिस्टर रुक के डांटा तक नहीं है उनके, बताओ बताओ क्या बात है। वरना आज के नेता हैं जो इस लेवल के नेता हैं वो बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। दुआओं का दौर जारी है, क्या उम्मीद है आपको उनके स्वास्थ्य? देखिए, हमें पाक परवरदिगार से पूरी उम्मीद है कि उनको इंशाल्लाह पूरी सेहत मिलेगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में और पूरे प्रदेश में उनके लिए कुरान ख्वानी हो रही है, नमाज़ों के बाद दुआएं हो रही हैं, मंदिरों में यज्ञ हो रहे हैं और प्रार्थना ईश्वर से की जा रही है कि वो जल्द से जल्द सेहत याब हों और हम सबकी सरपरस्ती करें।